अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण 4:4। प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। यह भगवद गीता का श्लोक है और इसका महत्व समझाने के लिए हम इसे आधारित जीवन से समझ सकते हैं। अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनके दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होता है, यानी समाज में वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व खतरे में होता है। इसका आधारित व्यापक संदेश है कि धर्म और नैतिकता का पालन करना समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि अधर्मिकता, अनैतिकता और दुष्ट आचरण समाज को हानि पहुंचा सकते हैं। वास्तविक जीवन में हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे कार्यों का धर्मिकता और नैतिकता के साथ मेल खाना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा भी हमारे समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी को अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करना चाहिए, ताकि हमारा समाज सामाजिक सामंजस्य और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सके।